सर्दी का सीजन है, कंबल लेके आना है, स्वेटर लेकर आना है, सोन लेकर के आना है, संतों को दक्षिणा बांटनी है, भोजन कराना है, भंडारा देना है। गुरु वही जो विपिन बसावे, इन कथनी बिन गुरु न कहा। जो कहे तुमने नाम ले रखा है गंगा नहीं नहाना, ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाना, मत पड़ो चक्कर में। नहीं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वही पंक्ति याद आती है, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। एक का हो के रहने में इज्जत भी है, एक का हो के रहने में अजमत भी है। एक ही आसियाने पर सर झुक गया तो दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। ऐसे सदगुरुओं से सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा नाम है वो। यदि वो गुरु भगवान के भजन में, ध्यान में, उपासना में, साधन में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई दोष नहीं लगता। डर नहीं जाना। किसी ने त्यागा? जी हां, बलि गुरु तजो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा से अलग कर रहे थे। यज्ञ कर ले, साक्षात नारायण जो यज्ञ जिनका स्वरूप है वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। अब जब साध मिल गया तो साधन की क्या जरूरत। तजउ पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने बाप को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तजउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। भरत महतारी। भरत ने मां का परित्याग कर दिया कि जो मां राम का और मेरा वियोग करा सकती है वो मां नहीं हो सकती। राम जी जीवन पर्यंत कहते रहे, भरत एक बार मेरी मान जा, कैकेयी को मां कह दे। भरत ने कहा सब कुछ मानूंगा परंतु मैं मां नहीं कह सकता क्योंकि कैकेयी मेरी मां हो ही नहीं सकती जो मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास दे दे। मेरी मां तो वो है जो मेरे भैया को गोदी में लेकर हृदय से चिपका करके रखे, वो तो मेरी मां हो सकती है, कैकेयी मेरी मां नहीं हो सकती। जाके प्रिय न राम भेदे तदिये ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जब तक जीवन में सिद्धांत नहीं होगा, बिना सिद्धांत का जीवन अधूरा है। और वो सिद्धांत का जो उपदेश है वो सदगुरु के चरणों में बैठने के बाद मिलता है। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। बड़े बेटा राजा बने और ये काष्ठ मौन लेकर के जंगल की ओर चले गए। ऐसे महापुरुष थे कि मलमूत्र का विसर्जन करते थे, वहां से जंगल में खुशबू फैल जाती थी। जब भरत जी राजा बने, बहुत दिनों तक राजपाट किया, उसके पश्चात चौथे पनजाई नृपकानन
भगवान का भजन करने के लिए। काठमांडू नेपाल, गंडकी नदी, गोविंद कुंड जहां पर शालिग्राम की प्राप्ति होती है वहां पहुंचे, भजन करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि हिरणी पानी पीने के लिए नदी में आई, सिंह ने जोर की गर्जना की, सिंह की गर्जना से हिरणी भयभीत होकर के नदी में छलांग लगा गई। उसके पेट में बच्चा था, बच्चे का स्राव हो गया, वो बच्चा बहता बहता वहीं आ गया जहां पर भरत जी भगवान भास्कर को जल दे रहे थे। सामने देखा, एक तो बच्चा, दूसरा हिरण का बच्चा, बड़ा प्यारा लगा महाराज। उसको उठा लिया और उठा करके हाथ में लिया, विचार किया अब क्या करूं, ये तो आयत है। ऐसी स्थिति बन गई कि दया बिना है संत कसाई, और दया करी तो आफत आई, अब क्या करें। फिर विचार किया, चलो कोई बात नहीं, कॉटन में, रुई में दूध, और उसके मुख में चोषण करा करा करके उसका पालन किया। आए थे 8 घंटा भजन करते थे, भजन 4 घंटा हो गया। फिर भजन करने बैठते तो वो पीछे से आता, सींग से ऐसे ऐसे खुजलाने लगता, फिर माला रख करके उसको गोदी में बिठा करके ऋषि कुमार नाम रख लिया, ऋषि कुमार, ऋषि कुमार पुचकारने लगते, जैसे लोग आजकल कुत्ता पाल लेते हैं। कुत्ता को टहलाने के लिए समय होता है, पर माता पिता की सेवा के लिए समय नहीं होता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है जीव का। उस हिरण में आसक्ति हो गई, भजन माला खूटी में टंग गई, बस उसी के खिलाने पिलाने में, नहलाने धुलाने में लगे रहते। इसको कहते हैं आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। जब राजपाट सब कुछ छोड़ करके आए थे भजन के लिए, पर मृग में आसक्ति हो गई। और ये आसक्ति इतनी विलक्षण है, ये शब्द ही ऐसा है। एक महात्मा तो कहते थे, बोले आसक्ति आ सकती है, ये जा नहीं सकती, आ सकती। और ये जिसके प्रति आ जाएगी फिर जिंदगी चली जाएगी, पर ये आसक्ति नहीं जा सकती। जब संसार में आसक्ति हो जाती है तो संसारी धक्का देता है, लाठी डंडे मारता है, घर से निकाल देता है, फिर भी वो घर में धीरे थोड़ी देर बाद फिर पहुंच जाता है। क्या करूं, है तो मेरा ही, क्यों आसक्ति। आसक्ति यदि करनी है तो परमात्मा के चरणों में करो, उद्धार होगा। संसार के साथ व्यवहार करो जैसे संत करते हैं, संत संसार के साथ में व्यवहार करते हैं, और आसक्ति परमात्मा के चरणों में समर्पित। महाराज ऐसा हुआ, हिरण था, जब बड़ा हुआ तो उसके सजाती लोग जा रहे थे हिरणों का झुंड, उनमें सम्मिलित होके निकल गया। ये पीछे पीछे दौड़े, ऋषि कुमार, ऋषि कुमार, कौन किसका ऋषि कुमार, गया तो पशु है। अब तो महाराज उसी की याद में, कहां जाएगा, क्या खाएगा, अभी छोटा है, कोई हिंसक जीव उसको मार जाएगा, हाय हाय करते हुए हिरण के याद में प्राणों का विसर्जन हो गया। गीता कहती है, यम यम वापी अस्मरेन भावम त्यजंतम तम तम कलेवरम। अंतिम क्षण में जिसका स्मरण करके प्राण निकलते हैं, अगला जन्म वही मिलता है। जाकी सूरत रहत है जहां, कह कबीर वो पहुंचे तहां। हिरण की याद में जीवन का प्राणांत हुआ, अंत हुआ, हिरण बन गए। कुछ दिन बाद हिरण का शरीर त्याग करके भजन का प्रभाव व्यर्थ नहीं जाता, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। अब महाराज भजन के प्रभाव से ज्ञान दृढ़ था। एक बार जल गए थे दूध से तो छाछ को भी फूंक फूंक के पी रहे हैं। और महाराज
बड़े हुए, पिताजी ने स्कूल में भेजा, जैसे मास्टर साहब ने कहा कबूतर वाला का, इनको डर लगा कि कहीं मैंने कबूतर कहा वो प्राण निकल गए तो कहीं कबूतर ना बनना पड़े, इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहे। पौड़ भय मुहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। स्कूल से नाम कट गया, घर में आके आराम से बैठ जाते, समय पर नाश्ता, समय पर दोपहर का भोजन, समय पर ब्यारू, आराम से सो जाते। बड़े हो गए, भाभियां कहने लगी देखो काम का नकाज का, ढाई बुन अनाज का, क्योंकि संसार को चाम प्यारा नहीं है, संसार को काम प्यारा है। यदि संसार के काम के हो तो संसार आपको राम राम करेगा, यदि काम के नहीं हो तो कोई राम राम नहीं करता। संसार को काम प्यारा है, चाम प्यारा है। भाइयों से कहा, भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, हम चार कमा रहे हैं, खाने दो। बोले नहीं, काम करना पड़ेगा। भाइयों ने कहा ठीक है, घर की सफाई कर लेना। घर की सफाई में लगा दिया तो पूरे घर की सफाई करी, फिर मोहल्ले की, फिर सफाई करते करते दूसरे गली में झाड़ू, शाम तक झाड़ू नहीं छोड़ी। महाराज जानते हैं पर जानबूझ करके नौटंकी कर रहे हैं, ताकि यदि काम के रहेंगे तो पकड़ लेंगे, और बिना काम के रहेंगे तो पकड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो भजन करूंगा। भाइयों ने जब देखा झाड़ू हाथ से फेंक दी, आज के बाद झाड़ू नहीं लगाएगा, पर खाली नहीं बैठेगा, जाओ खेत में जहां पर टीले हैं और जहां गड्ढे हैं, तो टीलों की मिट्टी गड्ढों में समतल करके खेत व्यवस्थित हो जाएंगे, खेती बढ़ेगी होगा। गए तो श्रीमान जी जहां पर खेती हो रही थी वहां गड्ढे कर दिए, खोद खोद के मिट्टी और गड्ढे कर दिए, लगे रहे, डटे रहे शाम तक। भाइयों ने देखा इस काम का भी नहीं, पर खाली नहीं बैठने देंगे, काम तो करना पड़ेगा। दूसरा खेत था जिस पर जो है बाजरा आदि की, ज्वार की खेती थी, तो श्रीमान जी से कहा जाओ वहां पर चिड़िया हाँकना। कलेवा लेकर के मेड़ में बैठ गए, विचार करने लगे, बोले ये खेत मेरे पिताजी का, बोले मेरे पिताजी भी तो बिना कच्ची के पैदा हुए थे, कुछ कपड़ा पहन के तो आए नहीं थे, कुछ लेके नहीं आए। दादाजी, बोले वो भी कुछ लेके नहीं आए, परदादा वो भी ऐसे आए, तो खेत किसका, बोले खेत राम जी का। आप जिस मकान की रजिस्ट्री करवाते हो या जिस खेत की जमीन की रजिस्ट्री कराते हो, तो उस मकान का हाउस टैक्स क्यों भरते हो? सीवर का ठीक है, पानी का ठीक है, पर वो हाउस टैक्स क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो आपको लीज में मिली है रहने के लिए, वो आपकी नहीं है, क्योंकि आज तक ये धरा किसी की नहीं हुई, क्योंकि ये परमात्मा की संपत्ति है। खेत किसका? बोले राम जी का। चिड़िया किसकी? बोले राम जी की। दाना किसका? राम जी का। तो जब सब कुछ राम जी का है तो फिर मैं भगाने वाला कौन होता हूं। मेड़ में आराम से बैठ गए और कीर्तन करने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खावो रे चिड़िया भर भर पे मारा। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खावो रे चिड़िया भर भर पे मारा। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खावो रे चिड़िया भर भर पे मेरा। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खावो रे चिड़िया भर भर पे चिड़िया भर भर पे मारा। राम जी की चिड़िया हो, राम जी को खेत, कावर चिड़िया भर भर पे मारा। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, कावर चिड़िया भर भर पे। जय जय श्री राम। आज तो महाराज पड़ोसियों के खेत की चिड़िया भी आ गई निमंत्रण पर,
सारा दाना चुंग गई। जब भाइयों ने देखा इस काम का भी नहीं, धक्का दे करके घर से निकाल दिया, इस संसार वाले धक्का दे दें कोई दिक्कत नहीं है, चल पड़े महाराज। कभी एक बार नहीं सोचा कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, क्या खाऊंगा। क्यों? भोजने छाजने चिंता व्यथा कुर्वन्ति वैष्णवा, यो मे विसंभरो देवो कथम भक्तानुपेक्षति। जिस परमात्मा का वो सुमिरन करता है वो परमात्मा विश्वंभर है, विश्वंभर पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, तो कथम भक्तानुपेक्षति। जो गाली देने वाले को भी रोटी देता है, जो परमात्मा को गाली देता है, निंदा करता है, उसको भी रोटी देता है, तो क्या महाराज भजन करने वालों को भूखा सुलाएगा? अरे जिंदा की तो छोड़ो, गोस्वामी जी कह रहे हैं दुआवली में, मुर्दा हूं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग। कोई लवारिस मर गया उसकी भी व्यवस्था करता है, मुर्दा हूं को देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, अरे जीवित नर चिंता करे तिनके फूटे भाग। चल पड़े महाराज और भगवती के सन्निकट पहुंचे, उन जल्लादों पर कृपा करी और वहां से चलते जा रहे थे। इधर जिस हिरण का चिंतन करते करते ये यहां तक पहुंचे, वो हिरण भी इनका चिंतन करते करते इन्हीं के वंश में राजा रघुगण के रूप से प्रतिष्ठित हुआ। भजन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। सत्संग करने के लिए, सत्संग श्रवण कथा सुनने के लिए कपिल मुनि के आश्रम नित्य जाते थे, पालकी में बैठ के जाते थे। रास्ते में एक कहार बीमार हो गया तो महाराज ने सेवकों से कहा जाओ कहार खोज के लाओ। सेवक खोजते रहे, जब कोई नहीं मिला तो सामने से यही चले आ रहे थे। कहा चलो, लग गए, क्योंकि ये सब में परमात्मा का दर्शन करते थे इसलिए कभी किसी से कुछ नहीं बोलते थे। लग गए पालकी में, चल पड़े। जैसे चीटी आए रास्ते में तो कहीं पैर में ना दब जाए, पाप बन जाएगा, तो छलांग लगाएं। अब पालकी में तो बैलेंस बना के चलता है कहार, जैसे वो छलांग लगाए वो बांस राजा रघुगण के माथे पर फड़ाक दे लगा। राजा रघुगण ने कहा ए बोढ़ा रहा साधु क्रमती, ठीक से चलो नहीं तो मैं मरम्मत कर दूंगा। सेवकों ने कहा महाराज ये नई भर्ती कुछ गड़बड़ कर रही है, अयम अधनोपनुक्तोसी। फिर चल पड़े महाराज, फिर वही स्थिति हुई, छलांग लगाई, फिर बांस लगा। राजा रघुगण ने कहा कि देखने में तो बड़ा हष्ट पुष्ट लगता है, काम चोरी करता है, देख ठीक से चल नहीं तो मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा। आज तक किसी से कुछ नहीं बोले। आज जड़ भरत जी ने विचार किया कि आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आशीष पाकर के यहां तक तो पहुंच गया, पर आगे की यात्रा इसकी मंगलमय हो जाए। बड़ी अद्भुत बात कही। तोयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतु समय स्यादत वीर भारा, गंतुर्यदि स्यादिगम मध्वा पीवे तिरासौ नभिदाम प्रमाण। अरे राजन, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है, किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है। मैं नहीं कहता तुमने गलत कहा, तुमने सब ठीक कहा। चिकित्सा कर दोगे, मारोगे, सब कुछ करोगे, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ तुमने ठीक कहा। परंतु मेरी समझ में जीव के लिए भार नाम का कोई पदार्थ नहीं है, भार नाम का कोई पदार्थ नहीं है। राजन, भार तो ढोने वाले के लिए है, भार तो ढोने वाले के लिए है। चिकित्सा करोगे तो शरीर की करोगे, मेरी क्या चिकित्सा करोगे?
मेरी क्या चिकित्सा करोगे? इसका मतलब आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है। जी हां, हम शरीर नहीं है। ये जो बोल रहा है शरीर नहीं बोल रहा, शरीर नहीं बोल रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मेरे माथे में दर्द हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द नहीं है, मेरा हाथ टूट गया। मैं नहीं टूटा, मैं तो ठीक हूं, पर हाथ टूट गया। मतलब शरीर और शरीरी ये दोनों भिन्न भिन्न है। यदि ये एक होते तो फिर क्यों कहा जाता है ईश्वर अंश जीव विनाशी? अजो नित्यम सांसतोयम पुराणे नाहन्यते खन्न माने शरीरे, क्यों कहा जाता? जब ये बात कही तो राजा रघुवंश ने कहा, महाराज आप तो परम ज्ञानी लगते हैं, आप साक्षात कपिल तो नहीं है, आप कोई योगी तो नहीं है, क्योंकि मैं यदि डरता हूं तो मैं केवल ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं कि मेरे जीवन में ब्राह्मणों का अनादर ना हो जाए। नाघम विसंके सुर राम वज्रान त्रयोक्ष शूलान यमस्दन्ना, केवल मैं डरता हूं तो ब्राह्मणों के अनादर से डरता हूं कि मेरे जीवन में कभी ब्राह्मणों का अनादर ना हो जाए। जब ऐसी बात कही, मैं प्रसंग को संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि यह प्रसंग अपने आप में 7 दिन क्या 7 कल्प तक भी होता रहे तो पूरा नहीं होगा, पर सप्ताह का क्रम है, सप्ताहे अर्थ संकोचा, सप्ताह में अर्थ का संकोच होता है। और आज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आज चतुर्थ दिन है। सुन करके और जड़ भरत जी ने बड़ी अद्भुत बात कही, फटकारते हुए, राजन अकोविद कोविद बाद बादान बदस्त तो नीत विदाम वरिष्ठ न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वाव मरसेन सहामन। है तो तू महान मूर्ख अकोविदा, है तो तू महान मूर्ख पर बातें ज्ञानी जैसे करता है, बहुत बढ़िया बोलता है। अब तू कह रहा है कि आप कोई कपिल तो नहीं है, आप कोई ये तो नहीं है, आप कोई वो तो नहीं है। अरे यदि इतने तुम विवेकशील थे तो जब तुम्हारे सेवक लेके आए थे तो कम से कम मेरा बायोडाटा तो चेक कर लेता, मेरा वेरिफिकेशन तो करा लेता। जिस मुकुट के कारण राजन तुम व्यवहार को सत्य मानते हो, परमार्थ को नगण्य मानते हो, वो तुम्हारा दोष नहीं है, वो मुकुट का दोष है। ये मुकुट इतना विलक्षण है, ये पदवी इतनी विलक्षण है कि पदवी पाने के बाद एक शब्द और जुड़ जाता है, भूतपूर्व। जब किसी को पदवी मिल जाती है, पद मिलता है, तो पद की तो सीमा होती है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए, पद की तो सीमा होती है। तो पद पाने के बाद एक शब्द और जुड़ जाता है, भूतपूर्व। यानी जीते जी आदमी पद के कारण भूत हो जाता है, परंतु जिन्होंने पादुका भगवान की ग्रहण की, जिन्होंने पादुका ग्रहण की, उनके साथ भक्त के साथ में, संतों के साथ में कभी भूतपूर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता कि ये भूतपूर्व संत या ये भूतपूर्व भक्त, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ये तो भूतपूर्व हो जाते हैं क्योंकि पद पाते हैं, पद पाते ही भूत शब्द उनके पीछे लग जाता है, उनको भूत सवार हो जाता है।
तो जब तक पद में रहते हैं तो कोई नहीं बोल सकता कि तुमको भूत लगा है। जब पद छूट जाता है तो सारे बोलने लगते हैं कि तुम भूतपूर्व हो। रघुण के समक्ष जो है जड़ भरत जी ने कहा, राजन ये जो मुकुट है ना, जिस मुकुट के अभिमान के कारण तुझे कुछ समझ में नहीं आता परमार्थ क्या है, जानते हो ये मुकुट मेरा उतारा हुआ है। अहम पुरा भरतु नाम राजा, इस गद्दी का सबसे पहले नंबर का राजा मैं हूं। तुमने भरत नाम सुना होगा। और महाराज खगोल भूगोल आदि की बड़ी अद्भुत चर्चा हुई। राजा रघुगण का मुकुट जड़भरत जी के चरणों में। उसी क्रम में गंगा अवतरण आदि की कथा, किम पुरुष भरत वर्ष आदि की चर्चा करते हुए, सूर्य के गति आदि का वर्णन, सुषमार चक्र आदि का वर्णन करते हुए, स्वर्ग आदि की स्थिति का वर्णन करते हुए, और पाताल के नीचे दक्षिण दिशा में नरकों का नाम गिना दिया। यद्यपि गरुड़ पुराण में 21 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, भागवत में 28 प्रकार के नरकों का निरूपण किया गया। जैसे नरकों का नाम सुखदेव जी ने लिया, परीक्षित जी कांपने लगे, पूछने लगे, गुरु जी नरका नाम किम देश विशेषा, ये नरक यही है या कहीं कोई दूसरा देश है? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये नरक यही है, पापियों की यातनार्थ के लिए नरकों का निर्माण किया गया है। 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा करता है उसको वैसे नरकों में जाना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म दर्पण की तरह है, जैसे शीशे के सामने गोरा व्यक्ति जाता है तो गोरा नजर आता है, काला जाता है तो काला आता है, ऐसा ही कर्म है, हम जैसा करते हैं वैसा हमको ही भोगना पड़ता है।